हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, मैं आपको थोड़ा सा बिजी रोड में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से हमें क्लच का यूज लेना चाहिए। आगे चल के एक लेन में जाएंगे हम, जहाँ पे हमारा ट्रैफिक में थोड़ा सा बिजी रोड होगी। हमारा क्लच का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा गियर शिफ्टिंग कैसा होना चाहिए, इसमें आपको कम्प्लीटली ड्राइविंग से रिलेटेड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इनफैक्ट आगे चल के हो सकता है मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक ऐसा मिले जिसमें मेरे को स्लो मूविंग रखना पड़े कार को। तो अभी एक लेन में एंटर करेंगे, वहां से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा जजमेंट होगा, या फिर कह सकते हैं क्लच का यूज होगा। क्लच का यूज करते हुए हम कार अपनी मूव करेंगे अकॉर्डिंगली। अभी यहाँ स्टॉप करना पड़ा, आगे बस आ गई है, मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है यहाँ से, तो मैं मूवमेंट आराम से करूंगा अपनी कार में। तो फ्रेंड्स, कहीं पे भी हम कार अपनी चलाते हैं तो हमारा क्लच का मूवमेंट जो होता है, गियर शिफ्टिंग करते हुए क्लच का मूवमेंट बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो जाता है। इनफैक्ट अभी देखिए आप क्लच का मूवमेंट मेरा किस तरह से मेरे को प्रेस करना पड़ रहा है, बाइटिंग पॉइंट पे ले जाके वापस से प्रेस करना पड़ा ताकि मैं अपनी कार को कंट्रोल कर सकूं। यहाँ से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना था, इसलिए मैं कार के पीछे लगा रखी थी अपनी कार, बस के पीछे लगा रखी थी अपनी कार, और मूवमेंट कर रहा हूँ अभी। तो अभी देखिए आगे पोजिशन जैसी होगी फ्रेंड्स। अभी मेरा क्लच का मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, अभी मैंने ब्रेक अप्लाई की, मेरे पास जजमेंट नहीं थी प्रॉपर, तो मैंने क्या किया, क्लच का यूज लेते हुए ब्रेक अप्लाई की और कार मूव की है। तो क्लच हमें तब प्रेस करना चाहिए फ्रेंड्स, अगर हम स्लो मूविंग में हैं तो हमारा क्लच और ब्रेक ऑलमोस्ट साथ में प्रेस होगा। इनफैक्ट बहुत जगह ऐसी होगी जहाँ पे कार मेरे आगे कार होगी, स्लो मूविंग होगी, तो मेरे को हो सकता है क्लच प्रेस कर करके कंट्रोल करनी पड़े अपनी कार को। और ब्रेक अप्लाई जब करेंगे तब भी हम ब्रेक आगे दिखाता हूँ, जैसा पोजिशन होल्ड करूंगा या जैसे पोजिशन मेरे को मिलेगी, थोड़ा मार्केट लोकेशन आएगी तो अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को कैसे मूव करूंगा। अब यहाँ से मेरे पास पोजीशन देखिए, मैं हल्की सी ब्रेक अप्लाई किया हूँ लेकिन क्लच क्लच प्रेस नहीं किया मैंने, अभी भी क्लच प्रेस नहीं किया क्योंकि सेकंड गियर में मेरी कार थी, 20 की स्पीड है अप्रोक्स मेरी कार की, तो मैं आराम से अपनी ब्रेक अब क्लच प्रेस करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली क्लच से रिलेटेड होने वाली है और आप वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से मूवमेंट करने के लिए फ्रेंड्स, जब मार्केट पोजीशन होती है या आप कह सकते हैं थोड़ी सी नैरो रोड होती है और बहुत सारा ट्रैफिक, थोड़ा सा मूवमेंट जो स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, जैसे कि रिक्शे हो गए और टू व्हीलर्स वगैरह, जब अगर अंदर की तरफ चला रहे होते हैं तो हमें इस टाइप का, जैसे ये आगे स्लो मूविंग कर रहा है तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमारा फुट मूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा। सेकेंड गियर में ही था मैं तो सेकेंड गियर में ही रखा, बट मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी मेरी कार, और फिर अब मैं मूव करने लगा हूँ, मेरे पास अभी स्पेस है। तो फ्रेंड्स, क्लच का मूवमेंट हमेशा जरूरी पड़ता है क्योंकि मैनुअल कार जब चलाते हैं तो आपको गियर के अकॉर्डिंगली, आपको शिफ्टिंग मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग आपको गियर भी शिफ्ट करना पड़ता है, उसमें क्लच का मूवमेंट आता है। और आगे आपको ट्रैफिक मिलता है, अगर आगे चलेंगे हम थोड़ा सा ट्रैफिक या बिजी रोड मिलेगी तो आप क्लच का मूवमेंट देखिएगा। अभी देखिए मैं क्लच कम्प्लीटली रिलीज कर चुका हूँ, तो जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं इस पोजीशन पे बहुत बार क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे क्लच पे होल्ड करके रखते हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ का डिस्कशन किया है कि आपने फुट में फुट इस तरह से नहीं रखना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आपकी क्लच जल्दी खराब होने लग जाएंगे और आप कार जब ड्राइव करेंगे आपको पिकअप प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने स्लो डाउन कर लिया, इनफैक्ट स्टॉप कर लिया, क्लच का मूवमेंट कम्प्लीटली इसमें आया मेरा। और मेरे को क्लच का मूवमेंट लेते हुए, क्लच का यूज लेते हुए किस तरह से हमेशा क्लच यूज आता है, और हम कार को अकॉर्डिंगली हम अपनी कार को कैसे कंट्रोल करते हैं क्लच से, आप ये पोजीशन पे जैसे मैं जब भी ड्राइव कर रहा हूँ आपने देखा होगा कि मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा, फिर मैंने क्लच प्रेस किया, आगे कुछ आया तो स्टॉप करने के लिए फिर से क्लच प्रेस करना पड़ा। तो आप मैनुअल कार जब भी चलाते हैं तो क्लच के बिना ना आपका गियर शिफ्ट होगा, अगर स्लो मूविंग में है तो आपको ब्रेक के साथ क्लच प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कार जो है इंजन ऑफ हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा यूज जो आप फुट मूवमेंट में करते हैं फ्रेंड्स, वो क्लच का होता है अगर आप बिजी रोड में चला रहे हैं। अगर हाईवे में चला रहे हैं या ऐसी कोई पोजिशन में चला रहे हैं जहाँ पे आपकी कार एक नॉर्मल स्पीड में चल रही है, आपने ना डाउन स्पीड करनी है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो एक्सीलेटर प्रेस करना है, तो अगर उस पोजिशन पे अगर आप अपनी कार चला रहे हैं तो आपको क्लच का यूज एकदम भी मिनिमम मिनिमम क्या, इनफैक्ट मैं बोलूंगा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हो सकता है 50-50 किलोमीटर गाड़ी आपकी आराम से चल जाए विदाउट क्लच प्रेस किए, क्योंकि आपने एक टॉप गियर लगा लिया, 80 की स्पीड में चला रहे हैं या 90 की स्पीड में चला रहे हैं,
तो आपका एक्सीलेटर पे ही कंट्रोल आएगा, थोड़ा सा स्लो डाउन करना होगा, थोड़ा सा स्पीड अगर डाउन करनी होगी तो आपने हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी है, ओवरटेक लेना है, तो वो डिफरेंट सिचुएशन हो जाता है हाईवे में। लेकिन अगर आप बिजी रोड में या सिटी में चला रहे होते हैं तो क्लच का यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, और यही जो चीज़ है जिससे कि क्लच प्रेस करके गियर शिफ्ट करना, ये थोड़ा सा यू नो न्यू ड्राइवर्स को थोड़ा सा घबराहट होती है सब चीज़ को हैंडल करने में, क्योंकि हैबिचुएट नहीं होते हैं या फिर आप कह सकते हैं सीख रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है एक गियर लग जाए चला लूँ, वो तो फिर ऑटोमेटिक कार चला सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअल चलाना सीख रहे हैं या मैनुअल कार से ही सीखना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप ड्राइव करिए कि आपको क्लच का यूज़ लेना पड़ेगा। आप हैबिचुएट करिए अपनी फ्री, जो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक ऐसी फ्री जोन में चल जाएँ या फिर अर्ली मॉर्निंग जहाँ रोड खाली होता है उस पोजिशन पर अपनी कार को लेके जाएँ, और आप अज्यूम करें कि आगे कुछ आने वाला है या कुछ है, तो आपने क्या है क्लच प्रेस करना है, ब्रेक अप्लाई करनी है, अकॉर्डिंगली अपना फुट मूवमेंट करना है। मेरा फुट मूवमेंट देखिए, अभी जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ कुछ भी सामने से आ रहा है तो मेरे को ब्रेक अप्लाई, ये देखिए स्लो डाउन कर रहा हूँ, अभी ये देखिए बीच में आ गया, तो मेरे को ब्रेक के साथ क्लच भी प्रेस करना पड़ा, नहीं तो मेरी कार बंद हो जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप गियर में लगा रखे हैं क्लच नहीं प्रेस करेंगे तो कार बंद हो जाएगी, इनफैक्ट जर्क हो के मतलब झटके पड़ेंगे, फिर कार आपकी बंद होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी कार आपने आगे बढ़ानी होती है। और जैसा कि ये वीडियो कम्प्लीटली क्लच से रिलेटेड करने वाला था फ्रेंड्स, क्लच का मूवमेंट करने वाला था, इसलिए थोड़ी सी बिजी रोड में आया हूँ मैं, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये देखिए क्लच का मूवमेंट अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन अगर मैं फॉर अ सेकेंड नहीं करता, मेरी कार 10 से नीचे जा रही थी और RPM डाउन हो गया था। RPM अगर डाउन होता है तो आपकी कार जर्क होने लगती है, जैसे कि अभी मैंने किया था 1000 से नीचे, जैसे ही RPM जाता है और आपकी गियर लगे हुए हैं, आपकी कार गियर में है, तो आपको क्या होगा कि जर्क होना हल्की सी झटके से लगेंगे, और उसके बाद अगर आप एक्सीलेटर प्रेस नहीं करते या क्लच प्रेस नहीं करते हैं, अगर जगह होगी तो एक्सीलेटर प्रेस करिए, नहीं तो क्लच को प्रेस कर लीजिए। क्लच अगर नहीं प्रेस करते हैं तो आपकी कार जो है बंद पड़ जाएगी। अभी यहाँ रेड सिग्नल है और स्पेस मेरे पास कम है, तो मैं देखिए स्लो मूविंग कर रहा हूँ, आगे स्पेस नहीं है, तो अकॉर्डिंगली मैं स्लो मूविंग करके ही अपनी कार को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ से राइट टर्न लूंगा मैं और कार अपनी अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाने वाला हूँ। न्यूट्रल करके मैंने क्लच रिलीज कर दिया। इससे ये होता है, ये प्रैक्टिस करने से, आप क्लच अगर रिलीज करते हैं न्यूट्रल में रखते हैं कार को, तो उससे आपको ये चीज़ फायदा होगा कि आपके मतलब आप क्लच प्रेस करके अपने लेग को या फुट को यू नो स्ट्रेस नहीं देंगे, थोड़ा सा आराम मिलेगा उन आपके फुट को, ताकि आप कार आराम से चला सकें। स्पेशली जब सिटी में ड्राइव करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फुट को थोड़ा सा रिलैक्स करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा पोजीशन ऐसी आए कि आप रिलैक्स कर सकें, तो आप आराम से कार को अपनी क्लच को रिलीज करके कार को यू नो न्यूट्रल में छोड़ सकते हैं गियर विदाउट अप्लाई किए। स्पेशली ये सिग्नल्स में करते हैं हम। अभी यहाँ से देखिए क्लच का मूवमेंट, मैंने गियर शिफ्ट किया, क्लच का मूवमेंट था, अभी फिर से क्लच प्रेस करना पड़ेगा नहीं तो कार बंद हो जाएगी। अभी मैंने जैसे किया, सेकंड गियर में हूँ मैं, मेरे पास स्पेस हो गई है, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ स्पीडली। मैंने अब थर्ड गियर अप्लाई किया, उसमें भी क्लच प्रेस करना पड़ा। तो फ्रेंड्स क्लच का, जैसा आपको बता रहा हूँ, क्लच का यूसेज हर समय होने वाला है। बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स गियर शिफ्ट इस रीजन से नहीं करते हैं कि क्लच प्रेस करना पड़ेगा, गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, कार तो चल रही है एक ही गियर में चलाएं। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं इनफैक्ट कि क्या हम एक ही गियर में कार नहीं चला सकते हैं। चला सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं चला सकते हैं, बट आपकी कार की स्पीड उस हिसाब से होनी चाहिए, और आपको माइलेज जितने छोटे गियर में चलाएंगे आपको माइलेज कम मिलेगा, और जितना क्लच प्रेस करेंगे आप बिजी रोड में रहेंगे, स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी गियर को रखेंगे तो आपको बेस्ट रहेगा। अभी जैसे ओपन स्पेस थोड़ी सी मिली मेरे को, देखिए 50+ में आ गया, लेकिन उस लेन में जहाँ चला रहा था वहाँ मेरे पास जगह नहीं थी, तो मेरे को क्या हुआ सेकंड गियर में रखना पड़ा था। अभी मैं 50+ में हूँ, फोर्थ गियर में हूँ, और क्लच का यूज़ देखिए बिल्कुल भी नहीं है, कि सिर्फ शिफ्टिंग के टाइम में मेरे को क्लच का यूज़ लेना पड़ रहा है, अदरवाइज मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्लच का यूज़ करने की। लेकिन जब मैं स्लो डाउन करूंगा कार को तब मेरे को क्लच को प्रेस करना पड़ेगा। तो स्पेशली फ्रेंड्स बिजी रोड में, ये वीडियो कम्प्लीटली उसी बारे में थी कि बिजी रोड में अगर हम कार को चलाते हैं तो बात बात पे हो सकता है मेरे को सेकंड से फर्स्ट गियर करना पड़ा, जो कि मेरे को आप उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था कि ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, कार स्टॉप करनी पड़ी, फिर मेरे को फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट गियर में आना पड़ा। फ्रेंड्स आए ये वीडियो इसी बारे में थी कि क्लच यूज कैसे करना चाहिए, कितनी ट्रैफिक अगर होता है या बिजी रोड होती है, नैरो लेन होती है तो आपको स्पेस नहीं मिलती है, तो
फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।